अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई क्या हाल है सब? कह रहे जवान का ट्रेलर आ चुका है, जहाँ तुम इसमें अगर कंपैरिजन कर लो उसके प्रीव्यू और इसके ट्रेलर के ऊपर, इसके प्रीव्यू ने काफ़ी कम चीज़ें एक्सप्लेन की थी, बस उसने हाइप अप कर दिया था कि हाँ भाई शाहरुख खान की मूवी आ रही है, हाइप अप हो जाओ, तैयार हो जाओ, और मूवी में मास मसाला मूवी देखने को मिलने वाली है। जहाँ इसका अब ये जो ट्रेलर आया ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है, या तुम कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहा है। बस जो मेन काम रह गया वो ये है कि मूवी के आने के बाद मूवी ने विजुअली रिप्रेजेंटेशन दिखाने के साथ पैसा कमाने। ट्रेलर के ऊपर बात की जाए तो ये चीज़ आती है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो हमें शुरू में देखने को मिली है प्रॉपर पूरी ट्रेलर के अंदर झलक है वो ओपी किस्म की है। जहाँ अगली चीज़ आती है वो ये है कि वो जो ट्रेनर वाला सीन हमें देखने को मिला, वो जो हाईजैक वाला, उस हाईजैक वाले सीन में इतना दबदबा है कि इस चक्कर में तुम देखो वो जो खबरें चल रही हैं उनमें भी यही है कि यार वो हाईजैक वाले की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं, वो जो ट्रेन हाईजैक हो चुकी है उसके ऊपर कोई मामला कोई स्टेप उठाया ही नहीं जा रहा। वो जो ट्रेन वाला हाईजैक वाला सीन है उसमें ऐसा कि लुक बड़ी टाइट लग रही है, और जो दूसरी चीज़ है वो ये कि वो वहाँ पर लोगों के दरमियान में जाकर बैठ के वहीं के लोगों को डरा रहे हैं, क्योंकि तुम कह सकते हो केओस मचा दिया, सही हंगामा हराई हो रही है। जहाँ अगली चीज़ आती है कैमरा एंगल्स, कैमरा एंगल्स बहुत ही टाइट लगे, मतलब कि हमें अभी भी नहीं पता चल रहा कितने एंगल्स हैं। ट्रेलर में तो पता चल गया बाप और बेटे और कितने एसआरके के रोल्स हैं, हमें थोड़े थोड़े ग्लिम्स उनके नज़र आ रहे हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके कैमरा एंगल्स बहुत ही टाइट हैं। हमारे पास पूरे ट्रेलर के अंदर हमें सिर्फ सीन्स देखने को मिले हैं, जब तक मेन सीन या डायलॉग नहीं आ रहा उससे पहले चल रही है वॉइस ओवर शाहरुख खान की आवाज़ में, वो एक प्रॉपर तुम कह सकते हो एक नरेशन दे रहे हैं, कहानी समझा रहे हैं, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी। तो दूसरी चीज़ आती है वो ये कि वो जो ट्रेलर के अंदर ही हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो एसआरके का करेक्टर है दुनिया उसे हीरो मान रही है, आई डोंट नो वाई, मतलब वो जो लोग हैं वो उसको अपना हीरो मानते हैं और हम उसके खिलाफ अगर जाएंगे तो सारे लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो वो चीज़ काफ़ी हद तक समझ आ रही है कि यार उसने ऐसा कोई तो काम किया जिस वजह से वो जो लोग हैं वो उनकी नज़र में एसआरके का कोई एक करेक्टर जो है वो हीरो है। अंदर एक थोड़ी सी झलक देखने को मिली कॉमेडी की, जिसमें जो छोटी बच्ची है वो जो चलिया गाने में थी वो ये जो आपके बाल हैं क्या आपने हेडेक किए हैं या असली हैं, प्रॉपर पूरे मास मसाला ट्रेलर के अंदर हल्के सा रिलीफ दे देता है। विजय सेतुपति वो यकीन करो इस मूवी के अंदर धमाका करने वाले हैं, और ट्रेलर के अंदर देखने को मिल रहा है कि वो नेक्स्ट लेवल हो गए हैं। जहाँ एक थ्योरी मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है उस ट्रेलर को देखने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि एक पास जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से विजय सेतुपति और हमारे जवान वाले एसआरके का, मतलब कि जो अपने टाइम पर जवान जिसकी मूछें वगैरह आमने सामने कोई एक दफ़ा पास में एक लड़ाई हो चुकी है जिस चक्कर में दोनों किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर चुके हैं, और उनकी मुलाकात अब होगी। क्यों? क्योंकि विजय सेतुपति अपने जवान वाले के बेटे के ऊपर अटैक करेगा, जिसमें तुम्हें देखने में मिल रहा है हमारे पास जो एसआरके है बाप वाला वो बोलता है अगर तुम्हें बदला लेना है तो पहले मेरे से बेटे को बीच में नहीं ला, मतलब कि हमारी वो थ्योरी सही हो रही है कि हाँ भाई बाप बेटे वाला एंगल इस मूवी के अंदर होगा। और ट्रेलर का वो जो लास्ट वाला सीन है वो ये वो लड़की पूछती है और क्या चाहिए, वो कहता है एक गाना सुना दें। मैं बताऊँ बस मूवी आ रही है 7 सितंबर को, मैं उसके लिए सुपर एक्साइटेड हूँ, यकीन करो टू एक्साइटेड हूँ, और यही तो सब कुछ। तुम इसके लिए कितने एक्साइटेड हो? शाहरुख खान की मूवी पठान के बाद ये आ रही है, तुम इसके लिए कितने एक्साइटेड हो तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। इस जैसी वीडियो देखनी है चैनल को और सब्सक्राइब, मुझसे बस नहीं मिलना है, मैं आ मिलूँगा, तब तक देखते रहो मसूस पीस, अल्लाह हाफिज़।